मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और ये हम चल पड़े हैं अपनी राइड स्टार्ट करते हुए। और ये हमारे दोस्त आयुष गुप्ता जी जो है वो वीडियो बना रहे थे सबकी। और अभी यहाँ से हम चलते हैं भाई और लेते हैं आज संडे का मजा। तो संडे की शुरुआत कर रहे हैं भाई हम यमुना एक्सप्रेसवे से। और आज हमारा प्लान है पता नहीं कितनी आगे तक जाने का, पर पता नहीं मेरे को लगता कोई जाएगा नहीं जाएगा। और अभी तो है जो जीरो पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी जाएंगे यहाँ से अपना मसाला हाईवे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद जो है सब डिसाइड करेंगे कि भाई कहाँ तक चलना है। और उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड होंगी कि आगे जाएं या ना जाएं। तो आज थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड टेस्ट भी करने वाला हूँ कि भाई कितनी से जाएगी मैं, कितनी जो है अभी मैंने थोड़ा सा पीछे भी टेस्ट किया था और स्पीड तो ठीक ठाक में चला रहा था, इसको चल रही है ठीक। और सारे बंदे छोड़ के मुझे आगे भागे, एक बंदा रह गया हमारा बस पीछे, बाकी सब आगे भागे। चलो भाई लेते हैं संडे का मजा। ठंडी ठंडी सुबह, हल्का ये जो मौसम है ना भाई वो हो गया है आप राइडिंग का मौसम। सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा मिलती है आपको, थोड़ा सा उठने में एक बार जो है 3 बजे जब आपको उठना पड़ता है तो हल्का सा आता है, लेकिन फिर भी जो राइडिंग में जो मजा आता है वो भाई साहब वो मजा अलग ही। ये आगे हमारे 30 मारखान और ये देखो 46 नंबर जैकेट में हमारा दोस्त विशाल, आज घर से क्लास लगी है इसकी तो इसको SD मिल गई है चलाने के लिए। और हमारा जो मोटू भाई है वो आज G800 चला रहा है, तो उसको आज नहीं दी भाई साहब घर वालों ने G800 चलाने के लिए। तुम भी जाओ आगे, तुम सीखो बस। भाई भाई साहब G800 जबरदस्त मशीन है, देखना क्या आवाज आती है, साए से जाते हैं बिल्कुल साए से। और ये CBR 650 यार देखो SD भी अच्छी भाग रही है नहीं, 130-140 130 पे तो मैं चल रहा हूँ और आगे है ठीक ठाक है। SD भी अच्छा है मतलब पास है, बता देना भाई जिसके पास SD हो अगर कोई कमेंट करके बता सकता है कि भाई कैसी बाइक है। वैसे तो मेरे को सामने चलती तो ठीक लग रही है तो फिर भी आप बता देना, पर CBR 650 अच्छी बाइक है भाई, अच्छी किस्ती है। ये हमारा दोस्त विशाल बहुत फ्लाई बाई मारता था G800 पे, और अब बेचारे को SD मिल गई है तो इसको चढ़ाते हैं थोड़ा, देखो अभी इसके मजे लेते हैं। भाई वीली मारेगा, वीली मारेगा, वीली। भाई घर वालों ने ले ली सुबह इसकी। राइड करो, आप चला भी रहे हो अगर आपको स्पीड में भी चलाना है तो आप जब चलाओ जब आपकी लेन खाली है, आपको कोई पैच दिख रहा है दूर तक कि यहाँ खाली पड़ा हुआ है तो कट मारने में। तो भाई साहब जो है वो लास्ट संडे गुड़गांव में एक राइडर की ऐसे डेथ हुई है, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई उसकी कट के चक्कर में। हाँ भाई नेताजी बढ़िया है, गार्डन गार्डन हो रहा है
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कट के चक्कर में ही डेथ हुई है, कट ना मारता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कट के चक्कर में गया, ये गए इंटर चक्कर से छुट्टी। एक और यार हमारे वो पांगे जाएगी यार, जीनोस और हायाबुसा चौधरी साहब वाली, उनको बड़ी देर से मैं देखो नॉर्मल 100-110 पे चल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। ये आई एक तो बोल के आई चौधरी साहब वाली, भाई साहब धुआं उठाती आती है बिल्कुल। और एक ये आई आई थिंक ग्रीन ओसो हमारे बंगाली भाई की, ये देखो। चलो अब हम भी चलते हैं, थोड़ा सा धुआं हम भी उठाते हैं थोड़ा थोड़ा। आज फिर हमारे ग्रुप में कोई भसड़ हो गई है, प्रदीप जी के हेलमेट पे लगा हुआ था, इस हेलमेट पे लगा हुआ था आगे कैमरा, किसी ने वो कैमरा चोरी कर लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पुलिस वालों को हमने बुलाया और जो है वो रिपोर्ट कर दी है, तो उन्होंने बुलाया कि एक दो दिन तक वो जो है वो जांच पड़ताल करेंगे, यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है और बाकी सब कुछ है उससे, और उसके बाद जो है हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, किसने निकाला है, कौन बंदा है कौन नहीं है, सब पता चलेगा। एक दो दिन के बाद ही आएगी भाई खबर, जो भी आएगी तभी पता चलेगा। चलो तो ये खड़े हो गए हैं सब जाने के लिए तैयार, सब रेडी, एवर रेडी, मस्त अकाटक। चलो भाई चलते, और ये हो गए हैं हमारे सारे राइडर्स इकट्ठे। अब इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, लाइट इंडिकेटर निकल गया, टूट गया, कैसे? मैं पीछे इधर करवा रहा था, हाँ एकदम से ना वो आगे रुक गई, हाँ वो टच हो गया। ओ बेंचोस, तुम गरीब आदमी हो ना? मैं गरीब हूँ। तो तुम्हारे पैर पे चढ़ा दूँ? क्योंकि गरीबों को तो कुचलती भी आई है दुनिया आज तक। अबे साले, कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है, एक सेकंड में खुलते के साथ ही ना हटा लेंगे ताकि और ना टूट जाए। पता है क्या हुआ, मैं डॉक्टर साहब उधर जा रहे थे, मैंने बोला इधर हो जाओ इधर हो जाओ, इतनी देर में आगे उन्होंने ब्रेक लगा दी भैया ने। क्या हुआ भाई, उनका इंडिकेटर भी अंदर करना, खींच ले खींच ले भाई, निकाल देंगे ना यहाँ, यहाँ घुसेड़ देना इसको,
अबे तार का और चाकू है ना तेरे पास? हाँ चाकू दूँ, चाकू तो अपने हयाबुसा ये निंजा 1000 प्रदीप जी की चौधरी साहब चला रहे हैं अपने ट्यूब भूसा डीबी नंबर देख रहे हो 0100। वाह क्या शानदार नंबर है। अब कौन आ रहा है आगे भाई? सब पीछे ही रहेंगे क्या? एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, चल भाई मुकुल आगे चल। और अभी चल पड़े हैं यहाँ से अपने अपने घर की तरफ। चलो भाई आओ, चलो गाइस। और वो सामने सारे हमारे ग्रुप वाले जो है वो दिल्ली वाले थोड़ा सा आगे से जो है वो सीधे चले जाएंगे थोड़ा सा कुछ किलोमीटर जाने के बाद, और हम जो नोएडा गाजियाबाद वाले हैं वो वहाँ से जो है वो राइट हो जाएंगे। चलो